अच्छा इसको पानी का कह देना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? कुछ पुराने चेहरे भी हैं जी। चलें जी, पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को रिजल्ट के लिए। कब है वैसे? खैर ये पर चलो, ये शुक्र है पहले नहीं ना आ गए। अच्छा कहा इन्होंने बाद में, कोई पता नहीं। हाँ लास्ट टाइम, हर दफ़ा मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस रिपीट होती है। चले खैर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। क्या रिमार्क्स हैं सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को? मार्केट्स अच्छा, सुकून है। चलो ठीक है, और बस ये सुना बी एम बी एस और कॉस्ट का मिक्सचर। अच्छा ठीक है, और हाँ ये तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है। मैं इसको सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट कहता हूँ आपके पूरी कैफ की ग्रेड का। इम्पॉर्टेंट भी है, टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा है, और ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड है जो कि तुम पहले पढ़ के आ चुके हो। एक चीज़ यानी कि तुम्हारे पास कुछ नॉलेज जो कि पहले से मौजूद है वो ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पर काम आएगा, अभी हम उस पर बात करते हैं। फिर इस सब्जेक्ट में तुम जो कुछ पढ़ोगे ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट फाइनल सब्जेक्ट्स की बेस बनेगी, और वो सब्जेक्ट्स आगे सीए का जो फाइनल सब्जेक्ट है उसको पर्टेन कर रहा होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल बिटवीन योर फाइनल सब्जेक्ट्स एंड द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। जहाँ तक तो टीचर के एंड की अगर मैं बात करूँ, तो इस सब्जेक्ट को उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि तीन टीचर्स की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए। यानी कि अगर तो कोई ऐसा टीचर है जिसमें तीनों एक्सपर्टीज़ हैं तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर नहीं तो इसलिए ज़्यादातर नहीं बल्कि मुझे मुश्किल है कि कोई नज़र आता है, कम है कि जिसमें एज अ होल इसको ले कर चला रहे हैं कोई। तो बहरहाल इसमें तीन एरियाज़ हैं जो कि डिफरेंट हैं। एक तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पोर्शन है, अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और फिर उसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट का पोर्शन है जो कि इसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके लिंकेज की बात करूँ, जो कि मैं अभी शुरू में इसका थोड़ा सा जिक्र कर रहा था, कैफ 6 का, आपने पहले कैफ 3 पढ़ी है, पास की अभी मैं बात नहीं कर रहा, पड़ी हुई है, ठीक है। सो इसलिए कैफ 3 का नॉलेज होना बच्चे इसमें ज़रूरी है, पहली बात। इसलिए मैं पहले बता दूं,
इसलिए जो अब से मैंने पिछली क्लास कंडक्ट की है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसमें मैंने शुरू ही इधर से किया था कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको इंट्रो का अंदाजा ही नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे भी कहता हूँ कि बच्चे अगर आपने कैफ 3 नहीं पढ़ी ना, अगर तो पढ़ ली है और पास हुई नहीं हुई वो भी ओके वेल इनफ, ठीक है, आपने मतलब आपने पढ़ा होना चाहिए कम से कम, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर बिल्कुल ही कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो बच्चे फिर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल इसी तरह के जैसे तुम FAR 1 में नहीं बैठ सकते जब तक इंट्रो टू अकाउंटिंग ना पढ़ो, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मसला आएगा। सो ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूँ कि अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है जिसने नहीं पढ़ी तो आपको प्रॉब्लम बच्चे होगी। तो अगेन क्योंकि जाहिर है ये अब MFA है तो यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चीज़ें तो बच्चे कवर करवाएंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसका अपना सिलेबस काफ़ी है। तो सबसे पहले जो तुम देख रहे हो कि जो तुम पहले CM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे ग्राउंड्स बनेंगे यहाँ पे चीज़ों को पढ़ने में। तुम्हें रेलेवेंट कॉस्टिंग, अगर जिसने मेरे से पढ़ा उसको याद होगा कि मैंने जब रेलेवेंट कॉस्टिंग करवाई थी तो मैंने वहाँ पर जिक्र किया था कि इसकी इसका जो एक इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे है और हमने उसको वहाँ पर कर लिया, दूसरा इफेक्ट इसका लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे, और मैंने कहा था ये MFA में चला गया, वो यहाँ पे है, ठीक है जी। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फिर जगह जगह ये वर्ड्स यूज होंगे, बजटिंग भी इसमें है, वो उधर से निकल गई थी ना, वो जो पुरानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजटिंग हुआ करती थी वो यहाँ पे है, अभी हम कंटेंट्स पे आते हैं। सो इसलिए ये जो वर्ड्स हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जगह जगह पे इनका जिक्र है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ पे अब उसको एक्सप्लेन करूँ कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड, वो तो फिर हम सिलेबस की डायमेंशन से बाहर चले जाएंगे। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स में जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं वो बेस बनेंगी, उसके अलावा क्वांटिटेटिव मेथड्स, यहाँ से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की चीज़ें जो तुम पहले पढ़ चुके हो, कोई नई नहीं है, नया नया कोई स्टैटिस्टिकल टूल तुम यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, बस उसकी एप्लीकेशन इन द बिजनेस मॉडल्स तुम यहाँ पे देख रहे होगे। तो ये दो नॉलेजेस नॉलेज 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 बेसिस हैं तुम्हारी जो कि बेस बनेंगी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। इसके अलावा इसके अंदर जो तुम पढ़ोगे दैट विल प्रोवाइड यू अ फाउंडेशन स्टोन फॉर द टू वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट्स ऑफ CFAP, यानी कि जो तुम्हारा थर्ड लास्ट लेवल है बिफोर MFA, बिफोर MSA, BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस और स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो कि पहले BMBS हुआ करता था, इसमें उन्होंने चेंज कर दिया। इसकी ना असल में बड़ी डिटेल्ड कहानी है, अगर मैं थोड़ा सा इसका आपको नॉलेज बताऊं ना कि ये कैसे इस सब्जेक्ट तक पहुंचा है। आपका जो मॉड्यूल सिस्टम होता था ना 2016 से पहले, उसमें ना फाइनल में एक ही पेपर था, उसको कहते थे बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, दैट वाज F17 था, ये F18 था, इट वाज F18, F17 थी मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, F18 था बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। इस सब्जेक्ट में ना एक सब्जेक्ट में तो नहीं कह सकते, उस की में एक फ्लॉ था। फ्लॉ ये था कि तुम देखो कि अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग बच्चा जब फाइनल में पढ़ता है रिपोर्टिंग में, तो उससे पहले दो लेवल पे नीचे पढ़ के आता है, पढ़ता है कि नहीं, उस वक्त दो लेवल्स थे, आपके लेवल पे तो चार पे फैल गया ना, इंट्रो टू अकाउंटिंग, FAR 1, FAR 2 और फिर रिपोर्टिंग, ऐसे ही है ना। उस वक्त क्या होता था, FAR 1 होती थी, FAR 2 होती थी और फिर रिपोर्टिंग होता था। इसी तरह तुम टैक्स को देखो, टैक्स में पहले बेसिक टैक्सेशन थी, फिर बच्चा एडवांस में टैक्सेशन पढ़ता था। ऑडिट देख लो, ऑडिट में नीचे एक बेसिक सब्जेक्ट था, ऊपर आके ऑडिट का एडवांस था। फिर इसी तरह तुम लॉज की बात कर लो, लॉज में नीचे क्या था, कंपनी लॉ था, ठीक है, बिजनेस लॉ लगा था, कंपनी लॉ था, और आगे जाके कॉर्पोरेट लॉज होता था। बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक कह लो या सब्जेक्ट कह लो कि जिसका बेसिक लेवल पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं था कि जो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाता कि इसमें किस किस्म के टॉपिक्स हैं, सीधा फाइनल पे जाके उसके माथे मारा जाता था कि ये एक सब्जेक्ट है और इसमें ये चीज़ें हैं। ऑल दो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज टेक्निकल इन नेचर, लेकिन अगेन बेसिक लेवल पे बच्चे को बिल्कुल कतन इंट्रोडक्शन नहीं था इस चीज़ का कि इस सब्जेक्ट में किस तरह की चीज़ें हैं, एक ही सब्जेक्ट था। बाकी बॉडीज़ को अगर हम देखें ना, ACCA है, ICW है, वो इसको बेसिक लेवल पे भी टेस्ट करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ACCA की बात करूँ, वहाँ पे पहले, इससे पहले कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, वहाँ AFM कहते हैं P4 को, उससे पहले F9 है, F9 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वहाँ पे बच्चा ये तमाम चीज़ें बेसिक लेवल पे भी पढ़ता है और फिर उसको एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो फिर आई के आपने ये सोचा कि हम यूँ करते हैं कि ये जो तुम्हारी अभी जो स्कीम चेंज हुई है ना, इससे पहले एक इन्होंने सब्जेक्ट निकाला CAF 8, दैट वॉज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें उन्होंने क्या किया, ये जो अब की तुम्हारी स्कीम की CMA है ना, ये प्लस इसके अलावा
बीएफडी के कुछ टॉपिक्स जो कि अब इन्होंने एमएफए में डाल दी हैं वो भी डाल दिए, बिजनेस अप्रेजल्स, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग डाल दी उन्होंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाल दिया उन्होंने, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग डाल दी, बस इतनी चीज़ें ही थी जो कि बच्चे को इंट्रोडक्शन दे रही थी कि बीएफडी क्या है। लेकिन दैट वाज अ गुड स्टेप कि भाई कुछ लेवल तक तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाओ ना। फिर जब ये तकरीबन 2014 से ले के 2021 तक यही स्कीम चली, फिर आईकैप ने फील किया कि नो, सम मोर डाटा फ्रॉम बीएफडी शुड बी पिक्ड अप एंड दैट शुड बी पुट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और उन्होंने सब्जेक्ट ही अलहदा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीएम को भी बहुत ज़्यादा हम अलहदा सब्जेक्ट ना दें, हम इसको मिला के एक सब्जेक्ट बनाते हैं। उसकी रीज़न पता क्या है, एमएफए का भी फ्लेवर वही है जो कि आपके एमएफए का है। अभी खैर आपका, आपके लिए एक बड़ा एडवांस लेवल है। तो एमएफए में उन्होंने फिर क्या किया कि यार बीएम बीएस निकालो, जो कि तुम्हारा कौन सा ये सब्जेक्ट था, कैफ फोर निकालें और एक सब्जेक्ट तैयार करें, उसमें बीएमबीएस का एक सेक्शन डालो। एक सेक्शन कौन सा डालें कि जिसमें से वो चीज़ें जो कि हमने कैफ 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में से निकाली हैं, कुछ चीज़ें वो डाल दो इसके अंदर। वो दो टॉपिक्स हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो कौन से हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। ये वो था जो कैफ 8 में था। और कुछ चीज़ें ना बीएफडी से ड्रैग करके नीचे भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाओ। और वो कौन से टॉपिक्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर है करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये टेक्निकल है और बड़ा मज़ेदार एरिया है, और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाइनल लेवल की चीज़ें हैं, वो उन्होंने इसका फ्लेवर नीचे ड्रैग करके डाल दी है। सो अब ये जो पूरा तुम्हारा फाइनेंशियल एनालिसिस का सेक्शन है ना, ये तुम्हारी ग्राउंड्स बना रहा है, पता है किसके लिए, बीएफडी के लिए। एक इसमें सेक्शन है बिजनेस मैनेजमेंट का, ये पता किस चीज़ के लिए ग्राउंड्स बना रहा है, एसपीएम के लिए। और एमएसए 2 जो है, जो तुम्हारा सीए का आखिरी सब्जेक्ट है, वो बीएफडी और एसपीएम का मर्जर है। दैट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, और ये भी खैर फॉरेन बॉडी से ही इंस्पायर्ड है। बहरहाल दिस इज़ द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ योर एमएफए एंड अ ब्रीफ हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ कि ये सब्जेक्ट किन किन तब्दीलियों से होता हुआ और किन किन मराहल से गुजरता हुआ एमएफए बना है। और एक इन्होंने बीच में एक टॉपिक घुसेड़ा है, 8 से 12 नंबर से ज़्यादा इसकी टेस्टिंग नहीं है, और वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें चीज़ें पता क्या क्या हैं, सिर्फ मैं अगर नाम ले लूँ ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए, कोई चीज़ नई नहीं है। मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन मॉड, फिर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पढ़ चुके हैं, काई स्क्वायर पढ़ चुके हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ चुके हैं, यही कमोबेश जी टेस्ट, ये सब आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं और वही चीज़ें इसके अंदर भी शामिल हैं। होगा क्या कि अब ज़रा बिजनेस मॉडल्स होंगे और इसके ऊपर अप्लाई करवाना है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लें। फाइनेंशियल एनालिसिस में प्रोजेक्ट अप्रेजल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं इन तीनों को लिंक करता हूँ क्योंकि फाइनल बीएफडी में भी मैं इसको इसी तरह से पढ़ाता हूँ और ऐसे ही पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को, लेकिन जो बीएफडी के बैकग्राउंड से नहीं है वो शायद अलग-अलग पढ़ाते हों। ये तीनों टॉपिक्स आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मज़े का सब्जेक्ट, करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट। कोई हल्का सा आइडिया हो करेंसी रेट रिस्क क्या हो सकता है? वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है, फिर उसके अंदर एक शाख है करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट, और एक और शाख है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आप डे टू डे बेसिस पे इसको रिलेट भी कर सकते हो। फॉरेन करेंसी, भाई देखो, आज तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की, चलो मैं इंपोर्ट की बात कर लेता हूँ, आसान कर लेता हूँ। आज आपने इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन की, और इंपोर्ट कितने की, डॉलर 1000 की, आपने पे करना है, और पे कब करना है, आज से 3 माह बाद। आज डॉलर का रेट क्या है, 180, आपको डर है क्या जब 3 माह बाद पे करने जाऊंगा डॉलर खुदा ना खास्ता 200 का हो जाएगा, रिस्क है कि नहीं है? सो देर इज अ रिस्क दैट करेंसी रेट विल डिफर बिटवीन टुडे द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द डेट ऑफ सेटलमेंट। इस रिस्क को कवर कैसे करेंगे, यहां पढ़ेंगे, इस तरह की चीजें हैं। सो ये असल में बीएफडी का सब्जेक्ट है, ये बीएफडी की चीज है, लेकिन उन्होंने उसका फ्लेवर यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क होता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो बड़ा बेसिक लेवल का है, वो उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये बीएफडी में था, उन्होंने बीएफडी में से निकाल ही दिया,
टोटली निकाल दी, और ये बड़ा एक वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल टॉपिक्स था बीएफडी का। बहरहाल उसमें से निकाल के जो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो बड़ा मॉडरेट लेवल का है, वो इतना टफ नहीं है, कतन टफ नहीं है, बड़ा बेसिक लेवल का है। और फिर फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, ये वो एरिया है जो कि बड़ा मशहूर था, ये कॉस्ट में भी था, फिर कैफ 8 में भी रहा है, और कैफ 3 में फिर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, और बीएफडी में था ये। सो अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने बीएफडी में से भी निकाला और इन्होंने कहाँ पे प्लेस कर दिया इसको, एमएफए में। सो एज सच ये कहीं एक्सक्लूड नहीं हुआ, जैसे होता ना कि कोई टॉपिक ऑल टुगेदर निकल ही जाता है सीए में से, वो ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग बीएफडी में था, उन्होंने निकाल के कहीं भी और नहीं डाला। एमएसए 2 में हल्का सा उसका फ्लेवर है। सो आई कैन लिंक ऑल दीज सब्जेक्ट्स क्योंकि मैं इन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो मुझे मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल के कहाँ गई है। सो इसके अलावा स्टैटिस्टिकल पे हल्की सी बात कर ली, बाकी बचता है आपका बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट जब स्टैंड अलोन था तो काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, लेकिन इसके अंदर अब सुकड़ के सिर्फ 4 रह गए हैं, और मैंने इसको समराइज किया है क्योंकि जो एक्सटर्नल एनालिसिस हैं, अगर मैं आई कैप स्टडी टेक्स्ट की बात करूँ तो चैप्टर 1 से 6 जो है, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन योर एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या है एक्सटर्नल एनालिसिस, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही है, कुछ भी काम कर रही हो, वो फलाही काम कर रही है या कमर्शियल काम कर रही है, और अगर कमर्शियल है तो या गुड्स बेच रही है या सर्विसेज रेंडर कर रही है, तो वो जो जो काम कर रही है या जो जो वो फैसले ले रही है, उसका उसके उन फैसलों पे या उसके उन ऑपरेशंस पे किसका इन्फ्लुएंस होगा, वट एवर फैक्टर्स दैट आर ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्या पॉलिटिकल डिफरेंट स्टेप्स या पॉलिटिकल डिफरेंट डिसीजंस का बिजनेसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है सर, क्यों नहीं पड़ता, अभी मैं बात नहीं कर रहा, डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी, करेंसी रेट, इन्फ्लेशन रेट, क्यों नहीं पड़ता भाई, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे बिल्कुल पड़ता है, एक्सचेंज रेट इटसेल्फ। फिर सोशल फैक्टर्स, आवाम क्या कर रही है, सोसाइटी एट लार्ज क्या कर रही है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से कि बिजनेस की वर्किंग्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, पहले बिजनेसेस मैनुअल काम किया करते थे, जब टेक्नोलॉजी आई तो सिस्टम्स आना शुरू हो गए, फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आए जिसको हम सैप और एक्ल वगैरह ये वाला नाम दे रहे होते हैं, जिसको ERPs कहते हैं, फिर इस पर शिफ्टिंग हुई। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ही हैं ना जो कि बिजनेस के काम करने के अंदाज को हिट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल या जिसको एकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं वो भी हैं, फिर कुछ लीगल फैक्टर्स हैं। ये तमाम क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसको किस में कवर कर दिया गया, एक्सटर्नल एनालिसिस, सारा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या न्यूमेरिकल है क्या क्या नहीं। फिर इंटरनल एनालिसिस भी है, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसका एनालिसिस और उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लेना। फिर कंपेटिटिव फोर्सेस, ये उस एरिया में चल के ही हम बात करेंगे। और फिर है एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये कुछ थोड़े से ज़रा ज़्यादा टेक्निकल हैं, तो मैं अभी सिर्फ इनके नाम ही लिखे हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मुनासिब है कि मैं इसका जिक्र करूँ यहाँ पर। तो जो जहाँ तक न्यूमेरिकल एरियाज का ताल्लुक है, ये बच्चे न्यूमेरिकल, ये इसको भी कह लो, ये भी और ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये बेस बनेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, और इसमें कुछ एडिशनल भी थ्योरेटिकल एरियाज हैं। हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस रेज करती है अपने डिफरेंट मकासद के लिए, ये जो तुम्हें बैलेंस शीट में नजर आता ना, ये जो एक तो एसेट्स की साइड है, दूसरी साइड कौन सी है, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी, वही तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कहाँ कहाँ से पैसा रेज करना है ताकि एसेट्स खरीदे जाएं। तो वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की डिस्कशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। फिर उन्हीं फाइनेंशियल सोर्सेज की कॉस्ट क्या है, उसकी डिस्कशन कहाँ पे होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो ये जो टिक किए हैं ये वो है जो कि आपका न्यूमेरिकल एरिया है। अच्छा, एग्जाम में टेस्टिंग किस तरह से है, ICAP ने 2 मॉडल पेपर्स रिलीज किए थे, एक तो जब MFA का की सिलेबस ग्रिड आई थी तब रिलीज हुआ था, और फिर रिसेंट भी रिलीज हुआ था जो कि पेपर से कुछ अरसा पहले था। तो उसमें इट इज़ बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ MCQs भी आते हैं, एक चीज़ इतने ज़्यादा नहीं, मतलब कोई कमोबेश 10 के आसपास, 10, 11, 12, 13, 14 इसमें फ्लक्चुएशन है, MCQs हैं। फिर कुछ रिप्रोड्यूस करने वाले पॉइंट्स भी होंगे, मतलब जैसे होता ना कि एक सब्जेक्ट है उसमें ऑल इन ऑल यू हैव टू गो थ्रू कंसेप्चुअली, नहीं, इसमें आपको कुछ चीज़ें जहन में भी रखनी होंगी, कुछ चीज़ें क्रैम भी करनी है, मजबूरी है, ठीक है। सो सम क्वेश्चंस विल रिक्वायर यू टू रिप्रोड्यूस सम कॉन्सेप्ट्स, रीजनरेट सम कॉन्सेप्ट्स, कुछ
एनालिटिकल बेस्ड होंगे, यानी कि आपको सिनेरियोस दे दिए जाएंगे, ये जो बीएम आपको नज़र आ रही है ना, ये रटा रुटा नहीं आएगा, हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि मैंने अभी कहा है कुछ चीज़ें रिप्रोड्यूस भी करवा सकता है, लेकिन सिनेरियोस देगा और आपसे कहेगा इसका एनालिसिस परफॉर्म करो। वो आपको किसी एबीसी कंपनी का सिनेरियो दे देगा, आपने उसका एनालिसिस करना होगा एक्सटर्नल। आपको एबीसी कंपनी, कोई एक्स वाई जी कंपनी का पूरी सिचुएशन बनाकर दे देगा और आपसे कहेगा इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करें। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जो थ्रेटिकली भी टेस्ट हो सकते हैं और एनालिसिस बेस्ड यानी केस स्टडी बेस्ड भी टेस्ट हो सकते हैं। सो एमसीक्यू फर्स्ट पोर्शन, एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सम पॉइंट्स सेकेंड पोर्शन, फिर केस स्टडी बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चन थर्ड पोर्शन, और फोर्थ न्यूमेरिकल। सो इट इज़ अ मर्जर ऑफ फोर क्लासेज ऑफ क्वेश्चन, जो कि एक ही पेपर में आपको इसका फ्लेवर नजर आएगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है करंटली। सो इसलिए ये वन ऑफ अ काइंड पेपर है, मैं इसलिए डिफरेंट भी कहता हूँ, इंटरेस्टिंग भी कहता हूँ और टेक्निकल भी कहता हूँ। तीनों मेयर्स पे ये सब्जेक्ट आपका पूरा उतरता है। अच्छा, एक चीज, तीन एरियाज ऐसे हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कंपेटिटिव फोर्सेस और एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये मिला के बहुत भी हो गया तो 20 मार्क्स बनते हैं। ये आपको असलान साहब करवाएंगे, बाकी 80% एरिया आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक। यानी इन अदर वर्ड्स, पेन नहीं है मेरे पास कोई और, चलें फाइनेंशियल एनालिसिस और ये, दिस इज द एरिया दैट आई विल बी टीचिंग, ये 80% बनता है आपका। सो मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ ये आपका सितंबर में आप अपीयर होंगे, अगस्त जुलाई के मेरा ख्याल है लास्ट 15 डेज में असलान साहब जो है वो कवर करवाएंगे। मैं भी बीच में अगर कहीं टाइम मिल गया तो तब कर लेंगे, तो मतलब पूरा प्लानर आपके साथ हम शेयर कर देंगे इस हवाले से। सो ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दीज एरियाज, सो मुझे टाइम का भी थोड़ा सा इशू था, तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एंड पे वो मोस्ट प्रॉब्ली कवर कर लें। सो द रिमेनिंग विल बी हैंडल्ड बाई मी पर्सनली। अंदाज़ क्या होगा जी, हम अभी तो करंटली आई कैप की किताब आई है, मैंने उसको पूरा स्टडी भी किया, लेकिन उसमें काफ़ी चैप्टर्स में मुझे भी लगा कि आई कैप ने चीज़ें टेस्ट की हुई हैं लेकिन इतना अच्छा मटेरियल साथ थ्योरी के लिए प्रोवाइड नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो चैप्टर है उसमें सीधा ठक करके सवाल आपको नज़र आएंगे, कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। इसी तरह से प्रोजेक्ट अप्रेजल्स के चैप्टर में उसने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं जो कि सवाल में टेस्ट कर रहा है, लेकिन रेलिवेंट थ्योरी में चीज़ें या तो मौजूद नहीं है या वीक हैं। सो इसलिए इसकी मैंने इस दफ़ा ही फॉर द फर्स्ट टाइम किताब खुद ही सेल्फ ऑथर की है, मैं इसी को फॉलो करूँगा। जिस स्टाइल में लेक्चर्स उसी स्टाइल में हमारा यहाँ पे स्टडी नोट्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल वही अंदाज़ रखा है जो कॉस्ट में रखता हूँ, कि मैं इंतहाई बेसिक लेवल से सवाल शुरू करेंगे, एडवांस 3 लेवल पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम डिटेल्ड प्रैक्टिस करेंगे, यही हमारा स्टाइल होगा। और हर टॉपिक के बाद हम लोग टेस्ट रखेंगे, कोशिश करूँगा इसमें, चूँकि जिस तरह से कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इसमें जैसे पहला एरिया हमारा मोस्ट प्रॉब्ली होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल का, और इससे पहले है रेलेवेंट कॉस्टिंग, तो इतनी मैं फेवर ज़रूर दूंगा कि मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग आपके साथ रिवाइज करूंगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि सब ने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ और मुझे नहीं पढ़ा हुआ, मुझे नहीं पता कि किसने किससे पढ़ा हुआ है, लेकिन अच्छा ही पढ़ा होगा डेफिनेटली, लेकिन एक हर एक का स्टाइल होता है तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से है। सो मैं चाहता हूँ कि सब एक लेवल पर हों, उसके बाद हम जब शुरू करें तो वो फिर मामला ठीक रहेगा। ऑल दो आप लोगों में से काफ़ियों ने इसी अटैम्प्ट में ही पढ़ा होगा मे बी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम स्टार्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग से कर लेंगे, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल की हुई हैं, किताब के अंदर ही मौजूद है। और जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है हर चैप्टर के एंड पे, मैंने तमाम आई कैप के स्टडी टेस्ट के क्वेश्चन डाले हैं, मैंने कोई स्किप नहीं किया। लाइकवाइज जो तुम्हारा बिजनेस मैनेजमेंट का एरिया है, मैंने चीज़ें एडिशनल ही डाली हैं, स्किप नहीं की, जो आई कैप स्टडी टेस्ट में है वो मैंने डेफिनेटली रखी हैं, क्योंकि इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, सो वी कैन नॉट टेक द रिस्क कि आई कैप स्टडी टेस्ट की चीज़ हम साइड पर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी टेक्स्ट, ये मैं मुझे जब मौका मिलता है मैं ज़रूर बताता हूँ। हिस्टोरिकल रेफरेंस मौजूद है कि आई कैप ने अपने स्टडी टेक्स्ट में से चीज़ें रिप्रोड्यूस वैसे ही सवाल पूछ लिए, वो इस वजह से कि बच्चे जो उस्ताद हैं वो अपनी किताबों में लगा देते हैं बच्चों को और स्टडी टेक्स्ट से दूर कर देते हैं, तो फिर आई कैप क्या करता है स्टडी टेक्स्ट से एग्जैक्ट पूछना शुरू करता है, फिर बच्चे स्टडी टेक्स्ट पर आते हैं। सो ये कतन नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट में कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ज़रूर करने,
जब किताब बनाई है उन्होंने, तो फिर वो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए नीड फील की कि सबसे पहली बात तो ये है कि आई कैप तो सिर्फ सवाल अंदर डाल देता है ना आपके चैप्टर के अंदर, कोई सीक्वेंस नहीं होता, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता। मेरे नज़दीक ईजीएस्ट से शुरू होना चाहिए और काफ़ी सारे सवाल होने चाहिए, फिर हम फाइनल लेवल पर जाएँ। और फिर थेरी जो फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया में है, इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री मेरे मुताबिक, जैसे मैं करवाता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर नोट्स अपने हिसाब से डिज़ाइन किए हैं और उसको इस लेवल तक लेके आए हैं कि इजीली जो टॉपिक्स हैं वो समझ आ सके। तो इस ये अवेलेबल है अभी करंटली कैंटीन में, आपको मिल जाएगा। मेरा ख्याल है 10-12 कॉपीज़ हैं, जो अगर ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वहीद के पास अवेलेबल है। नहीं, फ्री में नहीं है, वहीद के पास ये है, ICMA के साथ नहीं, उर्दू बाजार में नहीं है ये, सिर्फ ईद के पास है। तो जो टेस्ट मिलेंगे आपको फ्री मिलेंगे, सॉल्यूशन भी फ्री मिलेंगे। यार वो मैं आप ये ना, कैमरा चल रहा है असल में, बड़े मसले हैं। मैं वही साहब को कुछ कह नहीं सकता। वही साहब को मैंने फरमाया था, अर्ज़ की थी कि हुजूर रिक्वेस्ट है कि 25-30 भिजवा दें, लेकिन उनको अपने मसले मसाइल हैं। तो लास्ट टाइम पे कुछ इस तरह से हुआ था। बहरहाल तो वो ज़हमत आप कर लीजिएगा कि जितनी तो यहाँ से फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ख़रीद ली गई, जो रह गई हैं तो वो फिर काइंडली वहाँ से वहीं से ले लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने वहाँ पे पिछली क्लास में बताया था कि चूंकि अब रमज़ान है ड्यू इंशाल्लाह, तो इसमें मैं पर्सनली भी बर्डन वगैरह ज़्यादा नहीं डालता। तो पहले भी मैं ऐसे ही करता था, इस दफ़ा भी यही करेंगे। रमज़ान में हमारी अच्छा टाइमिंग यही है, ठीक है, 1:45 से 1:45, या अपने जहन में रखना, क्योंकि पिछली क्लास ख़त्म होते होते 1:45-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, तो आप यही जहन में रखना कि 55 पे शुरू हो जाएगी क्लास, इतना मार्जिन अपने जहन में रखना। और घंटे की क्लास ही है रमज़ान में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास है, सिर्फ 3 डेज़ अ वीक क्लास होगी, ठीक है। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं, द टाइम विल बी एक्सटेंडेड, 1.25 या 1.5 घंटे की क्लास पर डे हो जाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई 31 या अगस्त 1 को हमारा पूरा सारा सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। और आपको ताकि एक पूरा एक महीना मिल जाए अपनी प्रैक्टिस के लिए। हर टॉपिक के बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, अगर हो सका तो 2 टेस्ट भी रख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ चैप्टर ज़रा थोड़े से कम है, लेकिन हर टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा टेक्निकल भी है, ज़्यादा डेप्थ में भी है। हर टेस्ट को जब आप दे लोगे, और आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुम लोग अब थोड़े सीनियर हो, तो डंडे डुंडे मारता बंदा अच्छा नहीं लगता ना। मैं मुझे फ़ाइन रखने की आदत है, ये इंतहाई नर्सरी लेवल के बच्चों की रखते हैं, और या क्लास में खड़ा कर दूँ कुर्सी पर खड़े, ये बड़ी पुरानी चीज़ें हैं और अच्छा भी नहीं लगता। दाढ़ी छाड़ी आ गई हैं तुम लोगों की, अब शर्म करो थोड़ी सी। सो सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि यार फेल हो जाओगे, कोई कोई तुम्हें घर घरों को कॉल नहीं होगी। अपने आप को जज करना है आपने कि आप कहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको हकीकत बताऊँ, जब तक अपने आप को जज नहीं करेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 100 सवाल भी करवा दूं, मेरे कोई सवाल करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम लोग खुद नहीं करोगे और अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे। तो टेस्ट करें, इसका फ़ायदा क्या है? जब टेस्ट दे के अगले दिन क्लास में आओगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई बताओ क्या मसले थे, वो मसले भी डिस्कस हो जाएंगे। तो क्यों ना जो जो तुम चीज़ साथ कर रहे हो और तुम्हारा इदारा तुमसे टेस्ट कर रहा है और साथ डिस्कस भी हो रही है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। एक दफ़ा जब तुम टेस्ट सारे दे लोगे और सिलेबस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन चलाएंगे, जो कि जैसे 3 पार्ट्स हैं ना, तो इसको पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और 3 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रख लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा फाइनल मॉक एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज़ द ब्रीफ हाईलाइट्स ऑफ MFA। आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। मेजर ये, और कॉम्प्रिहेंसिवली बात करूं तो ये 3 चैप्टर, यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये देखो, रेलेवेंट कॉस्टिंग मैंने बताया था कि ये 2 चीज़ों को हिट करती है, वैसे तो डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में ये प्राइमरीली प्रोजेक्ट अप्रेजल, वो क्या था डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल। लॉन्ग टर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जिसमें आप आज बड़ी अमाउंट, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करोगे और इससे फ्यूचर में नेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होंगे, और आपने एवेल्यूएट करना होगा कि क्या मैं ये इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करूँ या ना करूँ।
प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट का नाम इस वजह से दिया गया है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में तो कॉस्ट बड़ी छोटी छोटी सी होती थी ना, ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी। यहाँ पे क्या होगा, आज की डेट पे आप बड़ी हैवी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करोगे एक प्रोजेक्ट में, एंड यू विल एवेल्यूएट कि ये जो अमाउंट आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स फ्यूचर्स में नेट बेनिफिट्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो क्या मुझे आज ये कैपिटल अमाउंट इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नाम क्या दिया, प्रोजेक्ट अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है, इवेल्युएशन, इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट। ये जो कैफ 8 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स था वो ये है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और ये बिजनेस मैनेजमेंट, यही है बस, यही चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। बता तो दिए, कैटेगरी बताइए, ये फाइनेंशियल एनालिसिस, ये स्टैटिस्टिकल, इसमें कहीं बीएम का जिक्र नहीं है, इन दोनों में बीएम बस वो है। और उसकी टेस्टिंग है कोई तकरीबन 30% 30-35% बीएम की। बाकी जब ये किताब लोगे उसमें भी आईकैप की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी कि हर एक का टेस्टिंग का जो परसेंटेज है वो कितनी कितनी है। नहीं वो नहीं है, हाँ नहीं, बता तो रहा हूँ कि वो जो था वो तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था ना। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये चार चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके प्रोड्यूस किए, सारी नहीं है। लीडरशिप थे वो तो, ये जो आप बता रहे हो ना लीडरशिप थेरीज और ये मॉडल्स वगैरह, ये सारे ये बीएस था, दैट इज़ बिहेवियरल साइंसेज। अब यहाँ पे तो बच्चों को अंदाज़ा नहीं है, ये सब ये जो फॉरन ऑथर्ड बुक्स है ना, ये जो फ्रेडरिक आर डेविड की किताब थी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब थी लुथन्स की, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सिलेबस था। तो वो BS का सब्जेक्ट है, बिहेवियरल साइंसेज, बिहेवियरल स्टडीज। तो ये BM BS नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स ओनली BM बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ हाँ वो नहीं है, वो जो थेरीज थी और वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर। बड़ा प्रिसाइज है, मुझे पसंद आया, ठीक है जी। बिहेवियरल स्टडीज कौन BM नहीं अप्लाई होती प्रॉपर थे। पहली बात तो एंटायरली न्यूमेरिकल नहीं है, इट्स अ मिक्सचर। जहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक है, जिसका तुम्हारे से सबसे ज़्यादा पाला पड़ेगा ना वो ये है, ये दो एरिया, ये और इसके अंदर भी एक एरिया, ये सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन रिक्वायर करेगा। डिफरेंट है, वैसा नहीं है, मैं इसको 100% वैसा नहीं कहूँगा, डिफरेंट नोयत का है। उससे थोड़ा आसान कर लो थोड़ा सा, ठीक है। उसमें और ही तरह की मुसीबतें थी, इसमें और तरह की मुसीबतें हैं, यूँ कह लो। लेकिन मैं इसको पर्सनली बड़ा पसंद करता हूँ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ताल्लुक तुम्हारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे कदम पे तुम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, हर दूसरे कदम पे तुम देखते हो कि यार इसको करने की क्या कॉस्ट है, उसको करने की क्या कॉस्ट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर कदम पे कर रहे होते हो। ये ज़रा प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे बिजनेस लेवल की चीज़ है कि यार बिजनेस जो है वो हर दूसरे स्टेप पे, हर दूसरे दिन वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और अप्रेजल्स करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। तुम्हें अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बस दे दिया जाता था कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या है, ओनर्स इक्विटी है, डेट है, ऐसे ही है ना, लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स हैं, TFCs हैं। यहाँ पे हम थोड़ी इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इसका प्रोजेक्ट अप्रेजल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये थोड़ी सी डिटेल है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये मेरे नज़दीक, मुझसे पूछें तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना घुमाने फिराने वाला भी नहीं है जितना घुमाने फिराने वाला कॉस्ट है, इतना ये मैं कह सकता हूँ। दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट दैट आई गिव, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, टीचर लेवल पे बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट लेवल पे जितना बच्चा घूमता है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उतना ये नहीं घुमाता, ठीक है, थोड़ा सा ये सीधा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। सवाल कोई किसी का? गैप आपने मेरे पे छोड़ देना, कोई गैप नहीं आता, परेशान ना हो। जुमे वाले दिन नहीं, टाइम घंटा रहेगा, टाइम क्योंकि कम करेंगे तो आधे घंटे की क्लास करनी है, वो तो नहीं ना रहेगा। हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो प्लानर में भी इन्होंने इवन शामिल नहीं किया। चले आई डिस्कस दिस विद मैनेजमेंट। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा लें, क्योंकि जितनी कम्युनिकेशंस होंगी वहाँ पे होंगी,
फिर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी सॉल्यूशंस आईकैप के जो हैं वो इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं होते, तो मैं अपने सॉल्यूशंस पर्सनली शेयर करूँगा, और जितनी भी कम्युनिकेशंस होंगी वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप से होंगी। तो एक तो फ्राइडे वाला पॉइंट मैं देख लेता हूँ। आपने कतन परेशानी नहीं लेनी इस चीज़ की, ठीक है? अगर 1 वीक में 3 क्लासे 1 आवर ईच हैं, आप ये देख लें कि इसके बाद इंशाल्लाह जो क्लास होगी रमज़ान के बाद, डेट विल बी 1.25 घंटा या 1.5 घंटा पर डे, 6 डेज अ वीक। सो एक हफ्ते में ही आधा घंटा एक्स्ट्रा करने का क्या मतलब है? 3 आवर्स का मेकअप वहीं से हो जाना। सो आप कतन परेशान ये आपकी परेशानी नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है। आधे बच्चों का बीच में बीपी जो है ना डाउन हो जाता है, शक्लें देख के पता चल रहा होता है। हम तो खैर आदी होते हैं इस चीज़ के, लेकिन वो जब बच्चे में एनर्जी नहीं है तो क्या बच्चे को पढ़ाया जाए? वो बच्चे में इतना इतना इनपुट की कैपेसिटी ही नहीं होती। सही। कोई और रेलेवेंट सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। एकेडमिक सवाल को पूछना तो मेरे से पूछे। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इधर से अलावा भी क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि उसका शायद फिर देखना पड़ेगा साथ। अच्छा ठीक है, आप में से ऐसे तो कोई स्टूडेंट्स नहीं है जो ये फेस टू फेस और ऑनलाइन दोनों में रजिस्टर्ड है? तो ऑनलाइन में भी रजिस्टर्ड है, तेरे दो रह गए बस। अच्छा कॉस्ट तो दिया ना तूने इस, अल्लाह खैर। चलो ये इस पे बात कर लेते हैं, किस किस ने कौन कौन से पेपर दिए। हाँ सवा घंटे कर लेंगे, देख लेंगे, डोंट वरी, देख लेंगे। बच्चे आगे जाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसके रीज़न ये है कि मेरी क्लास एंड की सब मतलब हिसाब में सबसे एंड पे मैंने अपनी क्लास रखवाई हुई है। कॉस्ट की क्लास होती है वो मेरे पास है, उसके बाद एमएफए है वो भी मेरे पास है, तो आगे जाने में मसला नहीं, पीछे आने में मसला है। सो ये म्यूचुअली ज़रा देख के मैं टाइमिंग से हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट यू वरी। हम पूरा अप्रोप्रिएट टाइम देंगे और सफिशेंट प्रैक्टिस करेंगे, इसके बगैर मुझे तसल्ली नहीं होनी, आप तो खैर दूर की बात है। सो मैं मेक श्योर करूँगा कि यू आर फुली प्रिपेयर्ड बिफोर यू सिट इन द एग्ज़ाम, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। बाकी ये है कि किस किस ने कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया। बिल्कुल हाँ, चलो इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कॉस्ट में भी बात की है, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का फ्लेवर और है, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तो ये BFD होती तो मैं वही वाला भाषण यहाँ पे भी झाड़ देता, अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती तो मैं वही भाषण यहाँ पे भी झाड़ देता। इस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यस। जितने हो सकेंगे हम भी सवाल करेंगे, आपको मैं मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि मेक श्योर हम करें कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड बिफोर वी सिट इन द एग्ज़ाम्स। उसमें आईकैप स्टडी टेक्स्ट से भी सवाल होंगे, पास पेपर्स, क्योंकि अभी तो इसका तो इतना अभी रिसेंट ही पेपर हुआ है, इसके अलावा तो पेपर ही कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि ये किस किस एरिया का टॉपिक है, तो उसके सारे पास पेपर जो भी रेलेवेंट है मैंने किताब में पहले ही डाले हुए हैं, जो कि आईकैप ने उसमें शायद कुछ शामिल नहीं किए हुए, तो वो भी हम पास पेपर्स करेंगे। फिर उसके अलावा सेल्फ डेवलप्ड, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले पास पेपर सारे करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार नहीं करने। थ्योरेटिकल के लिए मैं आपको नहीं रोकता, क्योंकि उसमें ज़रा अंदाज़ और होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि कुछ चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एनालिटिकल केस स्टडी बेस्ड होंगे, कुछ MCQs होंगे, ठीक है, और फिर बाकी वो हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। सो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, कॉस्ट में भी कहता हूँ, BFD में भी कहता हूँ, कि बार बार एक सवाल बच्चे मत करें, ना चाहते हुए आपका रटा लग जाएगा, उसी से तो अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि जो आपको एग्ज़ाम में सवाल आना है वो तो सिनेरियो बच्चे नया होगा या डिफरेंट होगा, तो आपने जिस एबिलिटी को रिफ़ाइन करना है ना, जो हम बार बार सवाल करेंगे, उसका मकसद पता क्या होगा? अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है, ना कि ये कि हम इस सवाल का रट्टा लगा लें कि यार जब ऐसा सवाल आए मैंने जो है ये फॉर्मेट बनाना है, ठक करके आगे निकल जाना है। नहीं, ये काम नहीं करना हमने। हमने अपनी एबिलिटी टू पॉल या यूँ कह लो एबिलिटी टू सॉल्व न्यू क्वेश्चन, उसको पॉलिश करना है,
और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करना है। जो चीज़ कॉस्ट में है वो यहाँ पे भी है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रांग होना। वो जितने स्ट्रांग होंगे बच्चे पेपर इजीली आपसे हो जाएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो कि एमसीक्यूज़ है ना, एमसीक्यूज़ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आई कैप या कोई भी और बॉडी वो अपनी स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करती है एज़ फार एज़ द एमसीक्यूज़ आर कंसर्न, ये देखा भी गया है। तो इसलिए मैंने जो ये किताब भी डिज़ाइन की है इसके अंदर जहाँ तक हो सका आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की चीज़ों को भी कंप्लाई विद रखा है, उसकी चीज़ को स्किप नहीं किया, ताकि अगर एमसीक्यूज़ की तरफ आप जाएँ तो आपको उसमें भी तंगी ना हो। तो मैं ये कतन नहीं कहूँगा कि आप आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को ना रखो अपने पास, वो ज़रूर रखना है आपने अपने पास, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा प्रैक्टिस, टेस्ट्स और मॉक, जो प्रॉब्लम कॉस्ट में आती है बच्चों को वो यहाँ पे भी आती है। और वो पता क्या है, टाइम मैनेजमेंट। इस दफ़ा भी बच्चे आए तकरीबन कमोबेश भी मेरे पास कोई, क्योंकि मैंने फीडबैक लिया कोई और कुछ नहीं तो अपने ही तकरीबन 60-70 बच्चों का तो मैंने फीडबैक लिया ही, सबका तो मैं नहीं ले सका लास्ट अटेम्प्ट में। तो उनमें से कुछ नहीं तो 20 बच्चों ने तो कहा कि सर हमसे 70 नंबर से ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों, सर हमने कोई पेपर फुल नहीं अटैम्प्ट किया। मैं हमेशा कहता हूँ और ये इतना ज़रूरी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और एमएफए में भी और बीएफडी में भी, बच्चे एक या दो दफ़ा ना कम से कम एक पेपर फुल गो में अटेम्प्ट करके जाएं। यहाँ पे तो जब तुम्हें मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा, ये मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट अप्रेजल है, तुम्हें मालूम है कि ये जो तुम सवाल कर रहे हो किसका है, प्रोजेक्ट अप्रेजल का। तुम्हें मैं फॉर एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, जो सवाल करवाने लगा हूँ पास पेपर का है, तुम्हें मालूम है ये किसका है, करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट का। जब तुम्हारे सामने पूरा पेपर होगा जिसमें 9 सवाल 8 सवाल 7 सवाल होंगे, कोई सवाल रिस्क मैनेजमेंट से है, कोई सवाल वर्किंग कैपिटल से है, कोई सवाल प्रोजेक्ट से है, कोई सवाल जो है एक्सटर्नल एनालिसिस पे है, कोई स्टैट्स का है, तो वो जो तुम्हारा एक जो फियर फैक्टर है ना, ये 9 सवाल पूरे करने वाला, ये वहीं से रिजॉल्व हो सकता है। पता क्या होता है, आपको पेपर आता होता है लेकिन जो इकट्ठा पेपर आ जाता है ना 9 के 9 सवाल, वो उसका एक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। और कुछ हर बच्चा नर्व्स ऑफ स्टील नहीं रखता, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हर बच्चे का स्ट्रेस अब्जॉर्ब करने का लेवल डिफरेंट होता है। हमने इसी को तो कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे, बार बार उस सिचुएशन से गुजरेंगे तो ये लेवल कम हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो सकता। मैं अपनी बात करूँ, बीबीए किया, बीबीए में 42 कोर्सेज थे, एमबीए किया, एमबीए में 24 कोर्सेज थे, कितने बन गए, 42 + 24 66, ठीक है। 66 दफ़ा एग्जाम देने के बाद भी व्हेन आई सैट इन द 67th एग्जाम आई वाज इन प्रेशर। एलिमिनेट कभी नहीं हो सकता एग्जाम प्रेशर, हो ही नहीं सकता, कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन है, ठीक है, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं। कैसे होगा, 1, 2 या 3 दफ़ा अपने आप को उस 3.25 घंटे से गुजारो तो सही यार, ठीक है। तुम्हारा हर सब्जेक्ट स्टैंड अलोन, हर टॉपिक स्टैंड अलोन अच्छा तैयार है, लेकिन इकट्ठा एक दफ़ा एक गो में गुजरना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट वहाँ से आएगी आपको कि यार एक टॉपिक का एक सवाल करना शुरू हुआ हूँ, थोड़ा सा आगे गया हूँ, ब्रेक लग गई है, तो क्या करना चाहिए अब मुझे, क्या मैं कुछ एज्यूम करके आगे चला जाऊँ या इस स्टेप को छोड़ के आगे चला जाऊँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है और अगले सवाल पे मैंने मूव करना है, क्यों मेरा टाइम फिर ज़ाया हो जाएगा, मैंने इसी सवाल को थोड़ी करके तो आगे बस इसी में बैठ के मैं अपना 1 घंटा ज़ाया करके चला जाऊँ, नहीं, अगले सवाल पे जाएं, फिर उसको करें, फिर जहां तक हो सकता करें, उसमें से कोई स्टेप नहीं आ रहा कोई बात नहीं छोड़ दें, बाकी तो कंप्लीट करें ना, फिर तीसरे पे जाएं। आपको स्ट्रेटजी डेवलप करने की भी जो गुर है ना वो वहां से आएगा, बात समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए, ये 2 चीज़ों के लिए, ये उन 2 चीज़ों के लिए है जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क खाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। सर कॉन्फिडेंस शटर हो गया, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सका, मैं सिर्फ 55 का करके आया हूँ, 3 स्टूडेंट्स मिले हमें। इन्विजिलेटर को देख के नहीं आती, और एंड पे लगता है जैसे पैर से लिखा हुआ। जो आखिरी 15 मिनट होते हैं ना, जो आखिरी सवाल होता है, वो तो मैं तो एग्जामिनर पे मैं सलूट मारने को दिल करता। बाज़ दफ़ा मेरी अपनी इतनी खौफनाक राइटिंग हो जाती थी, एक दफ़ा तो मैंने अपने साथ वाले ना लड़का था, मुझे तो उसकी बेचारे की जींस भी नहीं याद, कोई था कोई साथ बैठा हुआ, तो उसको मैंने देखा ना, वो खुदा की पनाह, वो ऐसे ऐसे लिख रहा था, ऐसे ऐसे, मैं तो हैरान हूँ कि एग्जामिनर कैसे पढ़ लेता उन बच्चों के। आखिरी 15 मिनट में ऐसे ही होता है। फिर पहले 15 मिनट को कैसे मैनेज करना है उस पर अभी मैं बात नहीं करता, वो थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है। एग्जाम इस चीज़ को, एग्जामिनर इस चीज़ को चैलेंज नहीं करता, उसको पता है आखिरी 15 मिनट है, ये आखिरी सवाल है तो ठीक है,
इस चीज को वैल्यू देता है। लेकिन जिस भाई साहब का शुरू से ही ये हाल है, शुरू से ही ऐसे लग रहे थे पैर से लिखा हुआ, तो वो तो फिर आप नहीं कर सकते ना कि यार प्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है। जैसे कॉस्ट में है कि प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट से शुरू करना है, रिक्वायरमेंट से ही हम कॉस्ट में शुरू करते थे, रिक्वायरमेंट से ही सर हम यहाँ पे शुरू करेंगे। रिक्वायरमेंट आपको गाइडेंस देगी, रिक्वायरमेंट आपको एंड बताएगी कहाँ पहुँचना है, और यहाँ पे भी हम उस तरह से ही कर रहे होंगे, कोई नई चीज़ इस हवाले से नहीं। ठीक है जी, सवाल कोई और? 5 मिनट है, नहीं अब हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह थर्सडे को है, ठीक है, वन और ईच, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। रोजे आ रहे हैं ना, तो पहले 3 दिन इतकाफ पे बैठ जाएगा, पार्शल इतकाफ पे बैठ जाएगा। इजाजत है फिर? चलिए थर्सडे को मिलते हैं, और मेक श्योर कर लें कि किताब एक और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप, इन दो में काइंडली ये जरा अगर नहीं कोई ऐड हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो ऐड करवा लीजिएगा अपने आप।